नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं एनिमल स्पोर्ट्स। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो सीरीज़ खेली गई थी उसको 3-2 से न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। आखिरी T20 मैच न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है। लेकिन रोहित शर्मा की हम बात कर रहे थे, आपको बता दें कि रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में अब नंबर 3 के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हो गए हैं। मार्टिन गुप्तिल ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि अच्छी बात यह है कि विराट कोहली T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज अभी भी बने हुए हैं। T20 इंटरनेशनल में क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में मार्टिन गुप्तिल अब रोहित शर्मा को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। गुप्तिल ने 99 मैचों में 2 शतक और 17 अर्धशतकों की मदद से 2,839 रन बनाए हैं। वहीं रोहित शर्मा ने 108 मैचों में 4 शतक और 17 अर्धशतकों की मदद से 2,773 रन बनाए हैं। पहले नंबर भारतीय कप्तान विराट कोहली काबिज हैं, जिन्होंने 85 मैचों में 2,928 रन बनाए हैं। गुप्तिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज़ में 2 अर्धशतकों की मदद से 218 रन बनाए हैं। तो अच्छी बात यह है कि ये सीरीज़ ख़त्म हो गई है। रिकॉर्ड जिस मैच में रिकॉर्ड टूटा है रोहित शर्मा का, वहीं पर ये सीरीज़ ख़त्म हो गई है। और अब भारत का नंबर है, भारतीय टीम 5 T20 मैचों की सीरीज़ खेलने जा रही है और इसमें रोहित शर्मा खेलते हुए नज़र आएंगे। जो टीम का सिलेक्शन हुआ उसमें रोहित शर्मा खेलते हुए नज़र आएंगे। तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा ये रिकॉर्ड मार्टिन गुप्तिल के पास। रोहित शर्मा पहले या दूसरे मैच में इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे और उनसे यानी कि मार्टिन गुप्तिल से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। ये अच्छी खबर है कि भारतीय टीम भी अब T20 मैचेस खेलने जा रही है। टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो गई है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि दूसरे जो बल्लेबाज हैं जिनको RCB ने इस बार अपने पाले में किया, जिनकी बहुत चर्चा हो रही है, मैक्सवेल, उनका भी रिकॉर्ड इस मैच में कुछ खास नहीं रहा, कुछ खास कर नहीं सके। पूरे जो सीरीज़ खेलेगी उसमें हर मैच में जो खेलते हुए नज़र आया आपको ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं सके। एक मैच में उन्होंने अच्छी पारी खेली थी, उसके बाद वो पूरी तरह से फ्लॉप ही साबित हुए हैं। ये विराट कोहली के लिए अच्छी खबर नहीं है, जो IPL में अब से थोड़े दिन बाद उतरने जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपके लिए लेकर लगातार आते रहेंगे, इसलिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नया वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।